दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है। रीट पटवार हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं को लेकर आई तो बड़ी अपडेट। रीट भर्ती पटवार भर्ती हाई कोर्ट व चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी परीक्षाओं की तिथियाँ हुई स्थगित, यानी कि इन तीन बड़ी भर्ती परीक्षाएँ हुई स्थगित। अगली परीक्षाओं की तिथियाँ हुई जारी, यानी कि रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन वो कब से वो शुरू होगा इसकी भी डेट आ चुकी है। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन वो कब से होगा और राजस्थान हाईकोर्ट वो ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन वो कब से होगा, इन सब की अपडेट आ चुकी है। यानी कि वो राजस्थान के अंदर अब कोई एग्ज़ाम होगा तो वो सबसे पहले इन तीन बड़ी भर्ती प्रतियोगिताओं के साथ एग्ज़ाम होगा। यानी कि वो सबसे पहले वो रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, इसके बाद पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा और इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट वो ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसको लेकर आज तो बहुत ही बड़ी तो ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी पता ही जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन वो जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं वो सबसे पहले तो दो कल की वो डेट के अंदर वो जी न्यूज़ और राजस्थान फर्स्ट इंडिया ने वो ट्वीट करके ये बताया है कि शिक्षा मंत्रालय का तो बड़ा फैसला, मई में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा वो कोरोना के चलते परीक्षा हुई स्थगित। यानी कि अब इस हिसाब से अब देखा जाए तो राजस्थान के अंदर राजस्थान पटवार हाईकोर्ट और वो ग्रुप डी की तो मई के अंदर तो वैसे स्थगित है, तो मई के अंदर इनका एग्ज़ाम होना नहीं था, लेकिन वो जून के अंदर ही तो बात करें तो जून के अंदर ही एग्ज़ाम होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान के अंदर EWS आरक्षण के कारण वो सभी भर्ती प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं का एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसके अंदर रीट भर्ती परीक्षा को ही भी ऑनलाइन आवेदन फिर से किया जाएगा और पटवार हाईकोर्ट भर्ती का भी ऑनलाइन आवेदन फिर से किया जाएगा। तो इसको हिसाब से देखा जाए तो जून के अंदर तो एक महीने का ऑनलाइन आवेदन का वो समय मिलेगा, इस हिसाब से अब देखा जाए तो वो जून के अंदर एग्ज़ाम वो नहीं होगा। रीट भर्ती की बात करें तो रीट का एग्ज़ाम तो जुलाई के अंदर हो सकता है, इसके साथ ही तो पटवार और हाईकोर्ट का अगस्त के 20 इनका एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।